हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज हम देख रहे हैं एमरॉन बैटरी का और छोटा मिनी इन्वर्टर अटैच करा हुआ है, और इसके बारे में ऐसा है कि ये चार्ज नहीं कर रहा, सप्लाई इसके अंदर जा रही नहीं, पर इन्वर्टर की सप्लाई बैटरी से बाहर निकल रही है। और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते हमारे मित्र परेशान है कि लाइट की दिक्कत आ रही है। ये दिनों में बारिश के 2-4 दिन से वर्षा ऐसी चल रही है हमारे तरफ, रोज शाम में लाइट जा रही है और पानी का साधन एकदम ट्रैकिंग हो रहा है। चलो चलते, आज वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। चलो, ये एमराउंड की बैटरी है और जो अपना मिनी इन्वर्टर ये है SKF का, इसमें LED फैन ये सब चलता है, और हमें जो इसे चलाना है CFL लाइट के बारे में, इसमें दिक्कत ऐसी हो रही कि ये ऑन हो रहा, बाहर सप्लाई निकल रही, पर चार्ज जो होता है तो चार्ज का ये नहीं कर पा रहा, सप्लाई अंदर नहीं आ रही। फ्यूज़ बराबर है, चेक करें। इसमें वायर का मसला निकला, वायर शॉर्टिंग है, जो सप्लाई आने वाला वायर जो रहता है अपना, इसमें शॉर्टिंग है। और बाकी बढ़िया है, मशीन के बारे में दिक्कत नहीं कोई भी। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसका ट्रांसफार्मर है, और ये उसके BO लगे हुए हैं दो, और इसके अंदर छोटा बैटरी आता है, जैसा 12 वोल्ट में मिनी इन्वर्टर में आता है वैसा। पर इसके अंदर का बैटरी कट करके ये एमरॉन का बड़ा वाला बैटरी जो ट्रैक्स का आता है ट्रैक्टर का, ये लगा हुआ है, यानी इसने बैकअप ज़्यादा टाइम चलना। खेत में दिक्कत होती है के बारे में। और ये इसका सामने का बैटरी लो, सूर्य बैटरी लो, बैटरी पावर ऑन ऑफ, ये इसका पैनल है सामने का। और बैटरी की बात करें तो बैटरी एमब्राउन की एकदम बढ़िया है, बैटरी की बात करें तो बढ़िया है एमब्राउन की बैटरी। एमब्राउन की बैटरी के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि फेल होने के चांसेस बहुत ही कम, और सर्विस को बहुत अच्छी रहती बैटरी एमरॉन। चलो, अब इसमें अपन सप्लाई वायर दूसरा डाल के देखेंगे। ये वायर शॉर्टिंग है, आपका दोस्त अहमद कुरैशी मेरे यूट्यूब चैनल में लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे, और आपको भाई को सपोर्ट करें। एक से एक वीडियो आएंगी अपनी, और इन्वर्टर के बारे में, टीवी के बारे में, DTH के बारे में, एक से एक वीडियो आएंगी। चलो, अब इसको वायर दूसरा कनेक्ट करेंगे अपन। अच्छे से जाड़ी वायरिंग, ये सप्लाई का वायर निकाल लेने का है। यहाँ से वायर में बराबर पूरा लेंगे। अच्छे से गिट मार देने की, वायर खींचे भी गया तो अपना इन्वर्टर को कुछ नहीं होना। एक वायर फ्यूज पर, यहाँ वाला, दूसरा वाला यहाँ, अच्छे से सोल्डरिंग कर लेने की।
एकदम बढ़िया, दोनों ट्रैक में एक वायर फ्यूज पर प्लस और दूसरा ये अपने शॉर्टिंग के वजह से फ्यूज भी शॉर्टिंग हो गया था। अपन ये फ्यूज मिल रहा नहीं अपने पास में, तो इसके वजह से हमने तार पे काम चला लिया इसका। ये यहाँ पर रहता है जो बैटरी से सप्लाई आती है आर्थिंग में, यहाँ पर रहता है। चलो अब हिसाब से पैनल वायर लगाएंगे इसका। दूसरा वाला इधर का है। चलो अब सप्लाई डाल करके बैटरी का कनेक्शन लगा ली। इसमें बैटरी की पावर आ गई। चलो लाइन में डाल के देखेंगे। ये देखो सप्लाई आ चुका है। बाकी सप्लाई आ चुका है। ओके, बैटरी चार्ज करना शुरू हो गया अपने। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें।